सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रूसो ब्रदर्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये पता है कि रूसो ब्रदर्स ने अब तक एमसीयू के लिए टोटल 4 फिल्में बनाई है, जिनमें से एक है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, दूसरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, तीसरी इन्फिनिटी वॉर और फोर्थ अवेंजर्स 4, जिसका टाइटल अब तक कंफर्म नहीं है। वेल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रूसो ब्रदर्स अवेंजर्स 4 के बाद फिर से एमसीयू के साथ में कोई भी मूवीज नहीं करने वाले। ये बात उन लोगों ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि अवेंजर्स 4 के बाद एमसीयू में जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आगे की जो भी मूवीज बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ अवेंजर्स 4 के बाद ही डिसाइड होगी। तो अब हमें अवेंजर्स 4 की एंड में ही पता चलेगा कि असल में एमसीयू का फ्यूचर है क्या। और बात करें रूसो ब्रदर्स की, तो जब केविन फ्राइगी ने इन्हें अनाउंस किया था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर बनाने के लिए, तो सब लोग काफी शॉक में थे, क्योंकि आज तक इन दोनों डायरेक्टर्स पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। और हमारे केविन का इन लोगों को कंफर्म करना कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, जिस पर काफी सवाल उठे थे कि ये दोनों इतनी बड़ी सुपर हीरो की मूवी को नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी तो सबके मुंह पर ताले लग गए, क्योंकि ये एमसीयू की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म थी। उसके बाद सिविल वॉर, जिसके बारे में मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि रूसो ब्रदर्स अब एमसीयू के साथ में आगे काम क्यों नहीं करना चाहते। वेल, तो उसका जवाब है, उनका कहना ये है कि जब से उन्होंने इस फिल्म को बनाने की ठानी है तो उन्हें ठीक से सोने भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन पर इस फिल्म का प्रेशर काफी ज्यादा है। और अभी रिसेंटली डिज्नी की डील चल रही है फॉक्स के साथ, तो अब उन पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें मूवीज में काफी मेजर चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो एक हिसाब से ये हो सकता है कि डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया होगा। अब ये सिर्फ एक रूमर है, इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि सच में ऐसा हो गया होगा, लेकिन लगता तो यही है, जिसके चलते एमसीयू अपनी मूवीज में काफी कुछ चेंजेस कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।